अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। एक बार फिर कई सारी दिलचस्प खबरों के साथ आपके सामने आज का वीडियो लेकर आए हैं। आखिर तक बने रहिए। हमने जैसे पहले ही कहा था कि मोदी भले ही तीसरी मर्तबा वजीर आजम बन रहे हो, लेकिन इस मर्तबा लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। मोदी ने अपने अंदाज में बयान देने की कोशिश आज जरूर की है, लेकिन एक तरह से ये पोकल कस्मे वादे हैं, सभी ने समझ लिया है। आने वाले दिनों में बहुत ही ताकतवर भारत बनाने की बात की और कहा कि अब दुनिया भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है और आगे पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भारत में इन्वेस्ट करने वाले हैं, यहाँ सरमाया करेंगे। अब इस बात पर भाजपा वालों के साथ गठबंधन के लोगों ने भी टेबल बजाए हैं, लेकिन इनके दिल में भी सवाल आया होगा कि पिछले 10 सालों में क्या जक मारा होगा जो अब भी और 5 साल मांगे जा रहे हैं। अगर सही तरीके से देखेंगे तो भाजपा वालों को भी मालूम हो चुका है कि आने वाले दिनों में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट या तरक्की इस मुल्क की कम से कम मोदी हुकूमत में नहीं होगी। खैर, ड्रामा करने में माहिर मोदी की मायूसी अब नजर आने लगी है। मोदी के चेहरे पर छिछोरापन भी अब झलकने लगा है, क्योंकि मजबूरी और मुलाजे की सरकार चलाने की नौबत जो आई। घमंडी तकबूरी की बातें करने वाले मोदी की हेकड़ी तो चली गई है, पर दिखावा ऐसा किया जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक और खास बात यहां बताने की जरूरत समझूंगा कि कुछ लोग अब भी मोदी हुकूमत को पहले वाली हुकूमत की तरह समझ रहे हैं, और खासकर ये डर मैं मुसलमानों में देख रहा हूँ। अब बकरीद की ईद सामने है और कुछ मुसलमान परेशान होकर फोन करते रहते हैं कि बड़े जानवरों को लाना है या नहीं, या बकरा लाना है, छोटे जानवर को ही जुबा किया तो कैसा रहेगा। मतलब किस हद तक मोदी हुकूमत का डर आज भी जहनों में कुछ लोगों के पैवस्त है, ये देखने को मिल रहा है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं तो आज भी जहन गुलाम बना हुआ है। मोदी अब सर्कस का शेर बन चुका है, ये समझना पड़ेगा। खैर, वही दूसरा पहलू भी बता देता हूँ फिर, मोदी कैसे सर्कस का शेर है, इसके रिंग मास्टर कौन बनने जा रहे हैं, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले मुसलमानों के मुकाबले में एक समाज है, सिख समाज। भारत में तो 30-35 करोड़ के करीब मुसलमान है, लेकिन ये दो करोड़ के करीब बताए जाते हैं। अब मुसलमानों के मुकाबले में सिखों पर बोलते हैं। सिख हकीकत में गैरतमंद कौम कहेंगे तो गलत ना होगा। कंगना रनौत, जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती रही और अपने आप को हिंदू शेरनी भी कहती रही, अब मुसलमानों को गाली देने का फैशन भी भारत में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब बढ़ चुका था कह सकते हैं, क्योंकि मोदी हुकूमत तो चली गई है, क्योंकि मुसलमानों को जो जितना भला बुरा बोलेगा उसका मर्तबा उतना ही ज्यादा बढ़ता है। मोदी हुकूमत चली गई मतलब एनडीए हुकूमत है, इसलिए कह रहा हूं। खैर, कंगना रनौत ने भी इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए भक्तों की टीम में शामिल हुई है और यहां तक कहा कि भारत को आजादी 2014 के बाद हासिल हुई। मुसलमानों को भला बुरा कहने का वो मुस्तकिल करते रहे जिसका उसे मुआवजा मिला, और अब भाजपा की वो सांसद बनी हुई। वाजा रहे कि ये वही कंगना है जो किसान आंदोलन को खालिस्तानी और शाहीनबाग तहरीक को पाकिस्तानी आतंकियों से जोड़ा था। कंगना रनौत मंडी से एमपी बनी हुई। एमपी बनने के बाद चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर पहुंची तो सीआईएसएफ कांस्टेबल के खिदमात को अंजाम देने वाली एक खातून कुलविंदर कौर ने उसे देखा, और न सिर्फ देखा बल्कि वो उसके पास दूसरे रूम से चली गई और जोर का तमाचा कंगना रनौत के मुंह पर जड़ दिया। कुछ देर के लिए कंगना रनौत को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि थप्पड़ ही इतना जोर का था। कुलविंदर कौर ने बहुत सारी गालियां भी कंगना को दी, और किसान आंदोलन के वक्त कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन में एहतजाज करने वाले खवातीन 100-100 रुपए में बिकती हैं। हंगामा बहुत बड़ा हुआ क्योंकि कंगना अब एक फिल्म अदाकारा नहीं है बल्कि एक एमपी भी है। इसके बाद कुछ देर तक बहस हुई, कंगना रनौत का तो चेहरा लाल हुआ था और उंगलियों के निशान भी नजर आ रहे थे, आप तस्वीर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर, इसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कंगना रनौत ने खुद को सही सालिम बताया और ये कहते हुए पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद का जिक्र किया, और वहां पर पंजाब में खालिस्तान आतंकवाद बढ़ रहा है ये भी कहा। हम भी कुलविंदर कौर के इस तरह एमपी पर हमले की हिमायत नहीं करते, लेकिन नफरत परोसने वाली कंगना रनौत की भी पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए। एक सीआईएसएफ कांस्टेबल को खालिस्तान दहशतगर्दी से जोड़ने की क्या जरूरत थी, जब कुलविंदर कौर को गिरफ्तार कर लिया गया और सस्पेंड भी किया गया तो कंगना रनौत पर भी खालिस्तानी दहशतगर्दी से जोड़ने पर एक कांस्टेबल को कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात है कि कुलविंदर कौर को 2 बच्चे हैं और इसका एक भाई किसान लीडर है, इसके शोहर भी सीआईएसएफ में खदमात अंजाम देते हैं और इनके घर के अक्सर खवातीन भी किसान आंदोलन का हिस्सा थे। तब कंगना रनौत ने बयान दिया था कि किसान आंदोलन की औरतें 100 रुपए में बिकती है, ऐसा नहीं कि कुलविंदर कौर को इसकी हरकत का अंजाम मालूम नहीं था, लेकिन कहते हैं कि गैरतमंदी भी कुछ होती है, लिहाजा अब किसान तंजीमें कुलविंदर कौर के सपोर्ट में एहतजाज करने का मंसूबा बना रही है। भाजपा की एमपी बनते ही थप्पड़ खाने के नौबत
कंगना रनौत पर आई और साथ में पंजाब में बढ़ रही खालिस्तानी दहशतगर्दी पर बोलने पर सिख समाज भी गुस्से में है। इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुसलमान बकरीद पर बड़े जानवर की कुर्बानी दे सकते हैं या नहीं पर ही अटके हुए हैं। कौमी सतह पर कितना क्या नुकसान हो रहा है, दुनिया में सिर्फ मुस्लिम समाज ही होगा जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी उतना ही सच है। मुसलमानों को लेकर भारत में क्या कुछ नहीं कहा जाता। मान लो अगर कोई मुस्लिम अफसर इस जगह पर होता तो क्या इसकी गैरत इस कदर होती? यकीनन नहीं होती, उल्टा वो तो भाजपाइयों की खिदमत में अपनी पलकें ही बिछा देता। इसलिए कहते हैं कि गैरतमंद कौम हमेशा अपनी जिंदादिली का सबूत देती है। क्या नबी की शान में गुस्ताखी नहीं हुई? कुरान हदीस और न जाने कितनी फिल्में ड्रामे मुसलमानों को लेकर बनाए गए, पर लगता है मुसलमान एक मुर्दा कौम बनती जा रही है और इसका एहसास बार बार होता है। मुसलमानों के पास कोई बड़ा मौकूफ नहीं है। आज कुर्बानी को लेकर डरा सहमा मुसलमान देखने को मिल रहा है। हमें फोन के जरिए पूछा जाता है, इकबाल भाई क्या बकरा लाऊं या बड़ा जानवर लाऊं, क्योंकि मोदी फिर तीसरी मरतबा या इख्तदार में आ रहा है। कुर्बानी से मुराद ही हमने जानवरों को काट कर खुद ही खाना समझ लिया है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बनाया था कि बुनियादी तौर पर हमारी तरबियत ही सही तरीके से नहीं हुई। आसानी से जन्नत के तलबगार बने हुए कि खराश भी ना आए और जन्नतुल फिरदौस हासिल हो। याद रखो, जन्नत का रास्ता बदर से होकर ही गुजरता है। भले ही आप कितने ही हज उमरा करते रहो, जिस कौम को हमारे अतराफ में क्या हो रहा है मालूम नहीं, क्या इस जदीद दौर में दुश्मनों पर फतह पा सकेंगे? और वैसे भी तारीख की किताबों के औराक में बहादुरों मुजाहिदों के खून से दास्तान रकम की जाती है। लिहाजा असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मोदी के तख्त में भी किले हैं तो ताज कांटों का है। अग्निवीर पहला तीर है तो अभी इख्तदार की कुर्सी पर मोदी बैठा भी नहीं है, तीर कमान से निकल चुका है। मोदी हुकूमत को इस फैसले को बदलने पर दबाव डाला जा रहा है। जेडीयू टीडीपी ने अग्निवीर स्कीम को रद्द करने की मांग की है और कहा कि भाजपा हारने की एक वजह अग्निवीर भी है। वाजा रहे कि महज 4 सालों के बाद अग्निवीर को रिटायर किया जाएगा। इस तरह भारत की फौज कमजोर हो जाएगी, ऐसा खुद फौज अफसरान भी कह रहे हैं। दरअसल इस अग्निवीर के पीछे अलग मकसद था। हमने अगर पुराने वीडियोस को देखेंगे तो यह अग्निवीर असल में फसादात में इस्तेमाल करने की कोशिश थी, लेकिन अब अग्निवीर जान का जंजाल बनता जा रहा है। राहुल गांधी ने भी पहले ही कहा था कि मुल्क की फौज को कमजोर करने वाले अग्निवीर को इंडिया गठबंधन की हुकूमत आती है तो बंद किया जाएगा। जो भी मंसूबे पहले बनाए गए थे मुल्क को मजहब नफरत की आग में झोंकने के, अब उल्टे पड़ते जा रहे हैं। कॉमन सिविल कोड को लेकर भी यही मामला है। कल के वीडियो में भी हमने एक्स्ट्रा सिविल कोड के बारे में बताया था। अब एक और अहम खबर यह भी है कि अब भाजपा की मोदी हुकूमत नहीं बल्कि एनडीए की हुकूमत बनी है, लेकिन फोटो मोदी की लगाई जा रही। इंडिया गठबंधन वेट एंड वॉच पर तो है, साथ में अंदरूनी खेल भी जारी है। शपथ विधि तो अभी 9 तारीख को होना है, लेकिन शिवसेना एनसीपी और ममता बनर्जी खेला करने वाले हैं, ऐसी इत्तला हासिल है। शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार फिर से अपनी ओरिजिनल पार्टियों में मर्ज होने जा रहे हैं, ऐसी इत्तला हासिल है। क्योंकि जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के पास चुनाव का निशान चुराने से भी वोटरों ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ही वोट दिया है, तो अपना सियासी करियर ही खत्म न हो जाए कि फिक्र में दोनों की घर वापसी की पक्की खबर बताई जा रही है। जाहिर है भाजपा मतलब यह है और सत्ता के लिए किसी का भी बलि दे सकती है, उससे पहले ही कुछ अंदरूनी खेल हो सकता है, ऐसा कयास सियासी गलियारों में जारी है। मतलब सरकार बन तो सकती है पर चलेगी नहीं, इसकी गारंटी दी जा रही है। ममता बनर्जी के रास्ते में एनडीए के कुछ लोग होने की बात चल रही है, जहां आवाम नायडू और नीतीश कुमार पर नजरें लगाकर बैठे हैं, लेकिन खेल ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे करने जा रहे हैं। मतलब पिक्चर अभी बाकी है। आपको सियासी गलियारों का तमाशा रोजाना किस तरह का चल रहा है बताने की कोशिश करते रहेंगे। आखिर में एक बार फिर मोदी हुकूमत 3-0 का ड्रामा दिलचस्पी के साथ देखते रहिए। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।